हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी एप्लीकेशन के लिए लोगो कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लोगो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोगो जो है अपने मोबाइल फ़ोन से क्रिएट करेंगे और उसके लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन किया और ओपन करने के बाद एक एप्लीकेशन है जिसका नेम है आइकॉनिक। जस्ट यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको देख सकते हैं आइकन सेकंड वाला, इसको ओपन करेंगे और इसके बाद से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो जो एप्लीकेशन है बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और इसमें हम आपको क्रिएट करके बताएंगे कैसे जो लोगो है उसको हम क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ से मेरा जो है इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद से इसको ओपन कर लेंगे इस एप्लीकेशन को। तो ऐसे लोगों को लोगो क्रिएट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो हम इसमें से बस एक बता रहे हैं। पहले आपको यहाँ पे अलाउ परमिशन कर देना होगा, उसके बाद से कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आइकन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसको बहुत सारे आइकन्स हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाते हैं। उसके बाद से किसी भी एप को आप सेलेक्ट करके उसको आपको हम डिज़ाइन करना बताएंगे कि कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो हमने किसी इस आइकन को मैंने ले लिया और लेने के बाद जिस चीज़ से भी आपका जो एप्लीकेशन है वो रिलेटेड है, आप उस टाइप का कोई भी एक आइकन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और करने के बाद इसका पोजीशन है, रोटेशन, स्केल अप, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे लेफ्ट राइट आपको रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है, अप एंड डाउन का भी रोटेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। और उसके बाद से नीचे है रोटेशन, किस एंगल से आप इसे रोटेट कराना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको ये वाला आइकन यहाँ से मिल जाता है इसका ऑप्शन। और नीचे है स्केल, तो स्केल भी कर सकते हैं, साइज इसके कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका स्केल अप हो गया। और उसके बाद जो इसका कलर है, तो कलर यहाँ पे फ्रंट कलर एंड बैकग्राउंड कलर दोनों कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर कलर भी हेक्साडेसिमल कोड भी आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर यहाँ से भी आप इसे कर सकते हैं जो कि RGB कलर में यहाँ पे शो हो जाता है। तो ये तो हो गया आइकन का कलर। और उसके बाद से बैक का कलर, यानी बैक कलर का अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे आप जितना भी कलर या देना चाहते हैं दे सकते हैं। अदरवाइज इसका जो हेक्साडेसिमल कोड होता है, आप गूगल में भी सर्च करके आप इस कलर का हेक्साडेसिमल कोड यहाँ पे इंटर कर देंगे तो यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, जो भी कलर आप चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कलर को चेंज करना, और ये बैकग्राउंड कलर हो गया, और यहाँ पर फ्रंट कलर दोनों कलर यहाँ से आपको चेंज कर लेना है। ओके, तो हम इस कलर को ले लेते हैं। और नीचे आपको शैडो है, तो शैडो का ऑप्शन जो आपको यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन वो प्रो वर्जन में आपको मिलेगा। अगर आप शैडो भी लगाना चाहते हैं तो शैडो के लिए आपको प्रो वर्जन लेना होगा। अदरवाइज आप यहाँ से अभी फ्री यूज कर रहे हैं तो आप फ्री यूज कीजिए। फिर यहाँ पे आपको कॉर्नर का रेडियस मिलेगा नीचे, जो रेडियस आप यहाँ पे करना चाहते हैं। अगर सर्कल फॉर्मेट में करना चाहते हैं रेडियस और इंक्रीज कर दीजिए, अदरवाइज बस यहाँ पे बस थोड़ा सा हम कर रहे हैं 28 या 27 ऐसे कर देंगे तो इसका थोड़ा सा रेडियस कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो रिजोल्यूशन है, तो रिजोल्यूशन बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 100 है, यहाँ पे अगर 200 आप करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको जो है कि यहाँ पे आइकॉनिक प्रो वर्जन आपको लेना पड़ेगा अगर इसका रिजोल्यूशन आप इंक्रीज करेंगे तो। अदरवाइज आपको बस बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 100 आपको दिया गया है, आप 100 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे बस 100 ही यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं जिसका रिजोल्यूशन है। फिर यहाँ पे फाइल नेम है, फाइल नेम यानी कि जो इसकी साइज है प्रीफिक्स, तो इसका जो साइज नेम है आपको यहाँ पे साइज देना होगा। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने लोगो लिखा है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसका जो हाइट और विड्थ है वहाँ पे हम कर देना है 512 एंड 512। यहाँ पे जो लोगो होता है एप्लीकेशन का लोगो, उसका जो यहाँ साइज होगी इसके हाइट एंड विड्थ 512 512, यहाँ पे हाइट एंड विड्थ आपको कर देना है। ठीक है, करने के बाद आप यहाँ से सब कुछ यहाँ पे चेक कर लेंगे। जो इसका कलर है, कलर आप यहाँ से अगर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा है प्रीसेट्स, जैसे आप यहाँ से प्रीसेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कलर का पैलेट से कुछ दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसका बैक है, तो बैक पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो फ्रंट वाला पार्ट यहाँ से चेंज होगा, और यहाँ पे बैक वाला जो है तो बैक वाला भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से जो कलर होगा, कलर को आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सब चेंज करना है और कैसे बाकी सारा जो रोटेशन है वो सब करना है। उसके बाद से हम नीचे आएंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। सबसे नीचे सेव हो गया और आप देख सकते हैं। फिर हम अपनी गैलरी को ओपन करते हैं। गैलरी को ओपन करने के बाद ये मेरा लोगो है जो मैंने अभी बनाया था, और यहाँ से सेव करने के बाद यहाँ पे गैलरी फाइल में या फिर आपके फाइल मैनेजर में यहाँ पे चला जाएगा जो भी आप लोगो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से बहुत इजी तरीके से जो इसका लोगो है, एप्लीकेशन का लोगो आप क्रिएट कर लेंगे और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं
लोगो क्रिएट करने के लिए, तो उनमें से बस एक है, बस मैंने आपको बता दिया। और कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।